अच्छा, जो हमारा टॉपिक है वो है बिट मैप। बिट मैप क्या है? जिस तरह ये आपका इमेज है जो आप देखते हैं, एक रास्टर इमेज, ठीक है। तो वही इसका कंसेप्ट है कि आपका इमेज जो है वो बहुत सारी डॉट से मिलकर बना होता है, ठीक है। बंच ऑफ डॉट्स होते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा डॉट्स होते हैं। अगर आप किसी भी अपने इमेज को जूम करें, बहुत ज़्यादा जूम करें, तो वो बॉक्सेस, स्मॉल बॉक्सेस जो आपको नज़र आएंगे, आप उनको जूम करें तो वो डॉटेड आपको नज़र आएंगे, ठीक है। डॉट्स आएंगे हर जगह, बहुत ज़्यादा जूम कर लेंगे रास्टर इमेज को, ठीक है। वैक्टर की बात करें रास्टर इमेज को, तो इस तरह जो वही डॉट्स हैं उन्हीं से मिलके आपका इमेज जो है वो कंप्लीट हो रहा होता है, ठीक है। तो बिट मैप कॉन्सेप्ट भी यही है कि अगर जब आप अपने इमेज को बिट मैप्स में करते हैं कन्वर्ट, बिट मैप में, तो वो आपको अलाउ करता है कि आप इसके ऊपर बहुत सारे इफेक्ट्स अप्लाई करें जो आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते जब आप बिट मैप में जाते हैं। बिट मैप में कन्वर्ट करते हैं तो उसके ऊपर आप बहुत सारे इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आप डायरेक्टली किसी भी इमेज के ऊपर अप्लाई शायद ना कर सकें। बिट मैप में करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें जिसमें ब्लर हैं, शेड्स हैं डिफरेंट, ठीक है, इसकी विजिबिलिटी है, तो और भी बहुत सारे हैं, वो भी वन बाई वन देखते हैं। अगर इसमें जाएंगे बिट मैप में, तो ये देखें काफ़ी सारे इफेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इस तरह ये ब्लर है, अभी हमारे पास क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ये नज़र भी नहीं आ रहे। डायरेक्शनल स्मूथ है, गॉसियन ब्लर है, उसके बाद मोशन ब्लर है, रेडियल है, स्मूथ, सॉफ्ट, ये बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। इसी तरह कैमरा के हैं, तो ये इफेक्ट जो है मोस्टली हम अप्लाई कर बिट मैप में कन्वर्ट करने के बाद। उसके बाद ये क्रिएटिव में बहुत सारे पड़े हुए हमारे पास, क्रिस्टलाइज, फैब्रिक फ्रेम, ग्लास, मोजेक, स्कैटर, स्मोक, सेंड, विनियट और वर्टेक्स, ठीक है। इसी तरह ये भी नज़र आ रहे हैं। तो भी हम देखते हैं जैसे किसी से स्टार्ट करते हैं, ये क्रिएटिव से ही कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक इमेज चाहिए, तो कोई सा भी एक हाई रेजोल्यूशन इमेज वो ले लेते हैं, ठीक है। के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं, यही वाले ले रहे हैं, ठीक है। इसको कॉपी करें, कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं डायरेक्ट इसी में। तो कोई और भी ले सकते हैं, ये वैसे हाई रेजोल्यूशन थी इसलिए ये ले लिए। अच्छा, सबसे पहले तो देखते हैं, अभी आप जाते हैं बिट मैप में, इसको कन्वर्ट करें, कन्वर्ट टू बिट मैप, ये ऑप्शन भी आपको ऊपर नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें कर लें, CMYK में करना है, RGB में करना है, RGB में कर लेते हैं इसको, ओके करें, ठीक है। इसके बाद नीचे आपको इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, जिस तरह हम क्रिएटिव में जाते हैं, क्रिएटिव में जाके क्रिस्टल है, फैब्रिक है, फ्रेम है, काफ़ी सारे इफेक्ट हैं। तो विनियट इफेक्ट है जो ये काफ़ी यूजेबल है, ये यही देख लेते हैं विनियट, ठीक है। विनियट क्या करता है, चलें अभी इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, इसकी एक और कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये कॉपी हो गई है। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काफी सारा, ठीक है। एक और इमेज ले लेते हैं, आपको ठीक है। ये क्यों यूज होता है? ये होता है कि आपने
पिक्चर मल्टीपल पिक्चर जो है उनको शेयर्स में कंबाइन करना है, डिफरेंट शेयर्स में, तो वो आप कर सकते हैं, वो भी हम देख सकते हैं। यही पिक्चर लेते हैं, इसको कन्वर्ट किया बिट मैप में, ठीक है, दोनों को कर लेते हैं। फर्स्ट वाली को देख रहे हैं बिट मैप, इसके बाद ये क्रिएटिव, ठीक है। तो आप में से किसी का ओल्ड वर्जन होगा कोरल का, तो उसको शायद इधर इफेक्ट्स के अंदर नज़र आ रहे हैं, यही वाले जो ऑप्शन में, ठीक है। अभी हमारा 28 है, तो 2018 है, इधर इसके आपको नज़र आएंगे बिट मैप के नीचे, ठीक है। क्रिएटिव में जाएं तो इधर विनियट इफेक्ट है, उसको आप देखें, तो ये कुछ इस तरह से आपने देखे होंगे। कल कल भी देखने थे, वो नहीं हमने देखे। ये जो फ्लेक्स आपने डिजाइन की, उधर भी आपको इस तरह के इफेक्ट्स नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। वो साइड इसकी कॉर्नर जो है वो इस तरह से ब्लरी से होते हैं, ठीक है। इसको आप देखें, इसके बाद नीचे ये सर्कल है, ये सर्कल करें तो कुछ इस तरह से इमेज। इसके और भी वेज हैं इनको ब्लर करने के, लेकिन ये जो विनियट इफेक्ट है इधर आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रेक्टेंगल्स हैं, ये देखो रेक्टेंगल में किया तो कुछ इस तरह, स्केयर किया तो कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी इसको चले रिक्टेंगल ही कर लेते हैं। इसके बाद ये इसकी एडजस्टमेंट है, ये साइड के ऊपर ऑफसेट और फेड, फेड आपने क्या फेड है, ये साइड जो आपको फेड ही नज़र आ रही है, कितना आपने करना है, ठीक है। ये मैं इसको भी ज़्यादा कर रहा हूँ फेड, ठीक है, फेड कट, वो देखें कि जो इसके साइड हैं वो ज़्यादा फेड हो रही है, ठीक है। इसके बाद ऑफसेट है, ऑफसेट का यही कि जो इनर इसका एरिया है वो आपको कितना नज़र आना चाहिए, ठीक है, वो देख लेते हैं। एक की जितनी आप वैल्यू सेट करना चाहें कर सकते हैं, तो इसको ओके करें, ठीक है। और दूसरी इमेज लें, यही वाली, इसको कर लिया हुआ अभी मैंने अपने कन्वर्ट, यही वाला इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करें, क्रिएटिव में जा के विनियट, ठीक है, सेम वही वैल्यू वो पिक कर लेंगे, ठीक है। इसको ओके करते हैं, तो एक जगह के ऊपर आप कुछ इस तरह से मल्टीपल इमेज यूज करना चाहें, ये अभी इसको साफ कर देते हैं। तो पिक्चर जो रीटच मिक्सिंग है, तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह कोई थर्ड इमेज आ गया आपके पास, तो उसको इसमें कर सकते हैं, अभी इसको इधर करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट नजर आएंगे, मतलब मल्टीपल पिक्चर्स आपने मर्ज कर ली, ठीक है, ये इफेक्ट्स को यूज करते हुए। अभी हमने एक इफेक्ट यूज किया क्रिएटिव में जा रहे, अभी तो छोड़ दिया इसको, कोई और आप अप्लाई करना चाहें वो भी कर सकते हैं। विनियट इफेक्ट है, ये पहले से ही अप्लाई है इसलिए ये डबल आ गया, ठीक है, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह कोई और पिक्चर ले लें, थर्ड ये टू की है हमने, एक थर्ड को भी आप करना चाहें, दो पिक्चर ले लेते हैं। ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, या इसको इन दोनों के नीचे आप रखना चाहें, ठीक है। इसको बिट मैप में करें कन्वर्ट, और इसके बाद आप इसके ऊपर इफेक्ट्स जो है वो अप्लाई कर दें, यही वाला, ये कुछ इसके नीचे हो जाएगा। इसकी फेडेड जो है थोड़ी कम कर लेते हैं इस तरह, ठीक है। वो आपको इमेज आपने देखा होगा मल्टीपल शेयर नजर आ रहे थे डिफरेंट इमेजेस के, तो ये बेसिकली यूज ऑफ इमेजेस को, मल्टीपल इमेजेस को आप मर्ज करना चाहें, तो ये देखते हैं कि एक इमेज के अंदर जहाँ पे भी आप इसको एडजस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। इसको इधर ओके कर लेते हैं, इधर भी आप करना चाहें, जहाँ पे भी आपको सही लगे वो आप एडजस्ट कर लें, नीचे ले आए ऊपर ले जाए,
स्ट्रीम पे डिफरेंट एम जी को आप मर्ज कर सकते हैं, इसको छोटा कर लें, इसी के आगे ले लें। ठीक है, देखो किस तरह से आपकी एम जी जो है वो मर्ज हो जाए जहाँ पे भी आप करना चाहें। तो ये कुछ इस तरह से आपको इंजिस नजर आ रहे थे जो मर्ज हुए होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से इनको मर्ज कर सकते हैं, उसके बाद इनके ऊपर कुछ लिखना चाहें, टाइप करना चाहें वो कर सकते हैं। इसी तरह कोई एक और इमेज लेते हैं, उसमें कोई दूसरा इफेक्ट अप्लाई करते हैं। इसी तरह ये है, इसमें कोई दूसरा अप्लाई करते हैं क्रिएटिव का ही विनियट इफेक्ट, और इसको सर्कल में करते हैं, ये आपको इस तरह नजर आएगा। ठीक है, एलिप्स में कर लें इस तरह, जो भी आपको आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई वेबसाइट का पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके ऊपर तो आपने इमेजेस डिफरेंट देखे होंगे इस तरह के इफेक्ट के साथ, ये एलिप्स में, सर्कल में, रेक्टेंगल में। तो अभी इसको सर्कल में कर लें, इसकी वैल्यू एडजस्ट कर लें, ठीक है, इसकी एडिट काम ज़्यादा कर लें। ठीक है, और ये आप कुछ इस तरह से इनको यूज करना चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये था अभी एक कॉन्सेप्ट, बिटमैप कॉन्सेप्ट, बाकी भी अभी देखते हैं इसके बाद कि और क्या क्या कर सकते हैं। जो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स हैं ये हमने पहले भी देखा हुआ, लेकिन अभी देखते हैं कि जब फोटो मिक्सिंग करते हैं या इमेजेस को आप डिफरेंट शेड्स फेड करना है, नीचे से राउंडेड को फेड करना है, ठीक है, डिफरेंट इफेक्ट देने हैं। यही कल वाले टॉपिक हम कंटिन्यू करें, जिस तरह हम फ्लक्स डिजाइन कर रहे थे, तो वो आपने फ्लक्स देखी होंगी कि नीचे से ना वो फेड्स होती हैं, और उसके ऊपर जो पिक्चर इमेजेस लगे होते हैं वो आपको नीचे से फेडेड नज़र आ रहे थे, इस तरह लग रहा है कि जैसे इनके ऊपर ना कलर किया हुआ। ठीक है, तो वो अभी देखते हैं। ये एक इमेज लेते हैं हम। ठीक है, तो इसी के ऊपर ट्रांसपेरेंसी जो है वो हम अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, ये इमेज है या कोई सी भी है, यही ले लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी के ऊपर अगर अप्लाई करें, जैसे मैं सेंटर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, ज़्यादा इफेक्ट ज़्यादा है। स्क्रीन शेयर है सबके साथ? ओके, अच्छा, ये हम इसके ऊपर ये देखें वाली ले लें, जिस तरह हमने डिज़ाइन किया था छोटा सा, तो आपको ना इमेज जिस तरह नीचे से फेडी नज़र आ रहे थे, ठीक है, वो आप ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर सकते हैं, और भी इफेक्ट्स हैं। अभी हम ट्रांसपेरेंसी का देखते हैं कि इमेज के ऊपर अप्लाई करें तो कुछ इस तरह से आपको शेड नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, ये नीचे भी है, आपको वो कम ज़्यादा इसकी वैल्यू करना चाहें, ट्रांसपेरेंसी की पहले भी आपने यूज़ किया हुआ, इसी तरह ये ऊपर वाला कलर है, इसकी भी करें कि ऊपर से इफेक्ट जो है वो कंट्रोल करेगा, जो इसकी अबव साइड है ऊपर वाली। ठीक है, इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये एक साइड से ही होता है, अगर आप देखें तो ये एक साइड से ही होता है ज़्यादा। ठीक है, नीचे कौन सा कलर है, ठीक है, इसको आप एंगल इसका चेंज कर लें, कोई सा देना चाहें। ठीक है, इधर से डिफरेंट ऑप्शन हैं, पहले भी आपने देखे हैं, अभी भी देख लें। ठीक है, कुछ इस तरह से आपकी इमेज के ऊपर ही डिफरेंट इसके इफेक्ट। ठीक है, पहले आपने यूज़ किए हुए हैं, अभी इसको क्विकली देख लेते हैं। ठीक है, ये सारे ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन हैं, फिर आपने अपने इमेज के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, वो आप इफेक्ट अप्लाई कर दें, ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर लें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उनको यूज़ करते हैं,
आप इस तरह के इफेक्ट देख सकते हैं, ये भी आपको नज़र आते हैं किसी इमेज के ऊपर, बैकग्राउंड पे इमेज नज़र आ रहा होता है, आगे आपकी भी कोई इस तरह इफेक्ट लगा होता है। ठीक है, ये वाला देखेंगे तो इस तरह जो वाटर मार्क सा लगा होता है पिक्चर के ऊपर, पिक्चर भी नज़र आ रही है, वाटर मार्क भी लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह का, और बाकी ये काफ़ी सारे हैं इसमें, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सब्जेक्ट में जाए, इसके अंदर भी डिफरेंट होंगे, ये कुछ इस तरह से। ये इधर भी इसके अवेलेबल हैं काफ़ी ऑप्शन। ठीक है, फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी की, फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी कौन सी थी, यही वाली जो जिस तरह ग्रेडियंट इफेक्ट है आपके ट्रांसपेरेंसी के, वही वाला ही है। कंट्रोल जी करते हैं, ट्रांसपेरेंसी में जाते हैं, ये फाउंटेन है ट्रांसपेरेंसी, इसके साथ है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। यूनिफॉर्म क्या थी, वो एक कलर वाली, लेकिन इसकी वैल्यू एक है। जिस तरह ओपेसिटी, ओपेसिटी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, वही चीज़ है, यही आपने इमेज बैकग्राउंड के ऊपर यूज़ करना है, इसके ऊपर डिफरेंट टेक्स्ट लिखना था। ठीक है, कुछ इस तरह करके, उसके बाद आप इसके ऊपर कोई शेप्स जो हैं उनमें कुछ राइट करना चाह रहे हैं इमेज के ऊपर ही। बैकग्राउंड पे इमेज ही रहे आपका, और इधर कुछ डिज़ाइन आप करना चाह रहे हैं चीज़। उधर कर लें, जैसे भी आप डिजाइन करना चाहें। जिस तरह फिर आप इनमें राइट करना चाहें, लिखना चाहें, बैकग्राउंड के ऊपर आप इमेज यूज करना चाहें, ये सारी इमेजेस के लिए है कि आपने उनको डिफरेंट वे में यूज़ करना है, तो वो कैसे आप करें यूज़। ठीक है, कुछ इस तरह कर लें, इमेज भी आपका नज़र आ रहा है इसमें, तो डिज़ाइनिंग आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, या इसी को इस तरह से होता है, वो वेबसाइट्स में आपने देखा होगा इमेज के ऊपर डिफरेंट अगर डिज़ाइनिंग हुई है कोई। ठीक है, इस तरह से या इनको कलर हुआ होता है। इसकी भी आगे ट्रांसपेरेंसी जो होती होती है कम या ज्यादा ऐसे। इसी तरह दूसरे कॉर्नर के ऊपर इधर इस तरह से, इस तरह इधर कर लें किसी एक के ऊपर, कुछ इस तरह से आपको इमेज नजर आ रहे होंगे। ठीक है, वो इनको आप कर लें, क्रॉप कर लें जितना आपको एरिया चाहिए, इतना चाहिए ये वाला। आपको
इस तरह से आप पिक्चर के ऊपर ही इफेक्ट अप्लाई करना चाहें, ये इससे इक्वल नहीं, आप इसको इक्वल भी कर सकते हैं, ये ठीक है, चारों साइड इसको इक्वल कर सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट है, ये आप अप्लाई करके जैसे भी आप अपनी इमेज को यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो वेबसाइट्स के अंदर आपको चाहिए होती है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं कॉर्नर जिनको आप इक्वल कर सकते हैं, ये आपको सिर्फ डेमो दिया, ठीक है। तो इस तरह ट्रांसपेरेंसी को आपने डिटेल में पहले पढ़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। कोई जिस तरह कल वाली कोई इमेज ले लेते हैं, कल से आती है हमारे पास, कल क्या थी, हम ये इमेज यूज कर रहे थे इलामा इकबाल वाली, तो इसके ऊपर अगर आपने फ्लेक्स के ऊपर ही लगानी थी ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करनी है आपने, ठीक है। और ज़्यादा कर लेते हैं कुछ इस तरह से, आप अगर करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, नीचे से इमेज को ब्लर करना चाहें, ठीक है। करना चाहिए करना चाहिए इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा आप इधर बिट मैप्स में जाके ये ब्लर आपको नज़र आ रहे हैं काफ़ी सारे, ठीक है, ये करते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म करते हैं, चलिए इसको इधर ही रहने देते हैं, एक और ही दे देते हैं। एक और इमेज ले लेते हैं, इसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, बाकी वो देखते हैं अभी, इसको बिटमैप में कर लेते हैं, ठीक है। ये बल्कि पहले तो आप क्रिएटिव में आ जाएं, बाकी जो वन बाई वन देख लेते हैं क्विकली। क्रिस्टलाइज करना चाहें तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं ये, क्योंकि बिटमैप इफेक्ट्स ही हैं, उन पे लिखते हैं ट्रांसपेरेंसी वाला खत्म हो गया। क्रिएटिव में ये क्रिस्टलाइज आपने करना है, ये देखिए आपकी इमेज को कुछ इस तरह से क्रिस्टल बन जाएगी आपकी, ठीक है। इनको आप इसकी वैल्यू कम ज़्यादा करके देखें, कुछ इस तरह के आपको इफेक्ट नज़र आएंगे। वैल्यू जीरो कर लें तो आपको इस तरह से, ठीक है, ये ब्लरी सा इमेज आप यूज़ करना चाहें अगर तो इधर से आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसको कैंसिल कर रहे हैं, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, इनको क्विकली देख लेते हैं सबको। फैब्रिक वाल फैब्रिक को जिस तरह टेक्सटाइल में इसकी डिज़ाइनिंग आपको ड्रेसिंग के ऊपर नज़र आ रही होती है, या इसको एट बिट ड्राइंग भी कहते हैं इसको, ठीक है। वो फैब्रिक के लिए आपको मतलब आपने देखा होगा कि ड्रेसिंग के ऊपर ना बहुत लाइट कलर के साथ बैकग्राउंड के ऊपर ऐसा लग रहा है आपको कि जैसे ड्राइंग सी हुई है, ठीक है। तो ये उस तरह के इफेक्ट्स हैं, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं इधर से, इनको कम ज़्यादा जैसे भी यूज़ करना चाहें, ठीक है। प्रिंट भी करवा सकते हैं आप इधर से। नेक्स्ट देखें पिटी में, तो ये फ्रेम है, फ्रेमिंग में क्या है, ये कुछ इस तरह, ठीक है। फ़ोटो को आप फ्रेम करना चाहें कोई अपने यूज़ के लिए, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद ये ग्लास ब्लॉक, ग्लास ब्लॉक में ये इस तरह से
डिफरेंट इफेक्ट्स हैं अभी इमेजेस के लिए, ये सारे आपके इमेजेस के लिए आप इनको यूज़ करना चाहें। जैसे भी इसमें एक और होगा ये मोज़ेक है आपके पास, मोज़ेक किस तरह ये ओल्ड पिक्चर जिस तरह होती है, ये वो इफेक्ट है। वन बाई वन आप इसको करेंगे, स्मोक स्मोकी सा जिस तरह मतलब स्मोक इफेक्ट है, ये उसी तरह जिस तरह इफेक्ट आपके कैमरा के फिल्टर में आ रहे होते हैं, मोबाइल का कैमरा यूज करते हैं उसके फिल्टर में आपको डिफरेंट इफेक्ट नज़र आ रहे होते हैं, ये कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, ये आप इधर भी कर सकते हैं अपने पिक्चर जो है अपने यूज़ के लिए। ठीक है, या वेबसाइट कोई मोबाइल ऐप्स डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर इस तरह के डिज़ाइनिंग में आपको ज़रूरत पड़ गई है इमेज की इफेक्ट करने की, वो मोस्टली यूज़ होते हैं जो विनियट पड़ा है हमने और ये ब्लर ऊपर जाकर पढ़ते हैं अभी, उस तरह के इफेक्ट मोस्टली यूज़ होते हैं। विनियट पढ़ लिया, स्टेन ग्लास आप देख लें, इसके बाद वोर्टेक्स है, वोर्टेक्स कुछ इस तरह से इमेज वो ऐसा लग रहा है जैसे सर्कुलेट हो रहे हैं ये आपके पिक्चर लेयर में नीचे। ठीक है, इसी तरह अगर आगे जाएं तो ये हमारे पास ब्लर है, डायरेक्शनल स्मूथ, ये देखते हैं अगर इसको इस पर तक नज़र नहीं आ रहा, नेक्स्ट वाला देखते हैं ब्लर जो है गॉसियन, ये यूज़ होता है मोस्टली। आपने ऊपर कुछ लिखना है, नीचे बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो, या ऊपर वाली आपकी पिक्चर है इसको फोकस करना है, ये सिर्फ ये जो लड़की नज़र आ रही है इसका फेस जो है वो विजिबल हो और बैकग्राउंड इसकी ब्लर हो, तो उसके लिए यूज़ होता है गॉसियन ब्लर। ठीक है, इसको आप देखें काम ज़्यादा करके कुछ इस तरह से, यह इमेज किसी को आप नहीं दिखाना चाह रहे तो आपने ब्लर किया होता है। ठीक है, वो आपने न्यूज़ वगैरह का देखा होगा कि बाद पता चल रहा है कि ये एक्टर है कैरेक्टर है लेकिन फेस उसका ब्लर होता है, तो वो इस तरह के इफेक्ट भी यूज हुए होते हैं। ठीक है, इसी तरह नीचे हैं ये सारे ब्लर की टाइप्स हैं, ये आप इनको वन बाई वन ट्राई कर लें। स्मूथ है, स्मूथ में क्या मौत का भी नहीं आ रहा क्लियर नज़र। ठीक है, ये इसमें जो है ब्लर में भी एक दो ही है मोस्टली यूज होते हैं, ये आपके पास है गार्जियन और एक और होगा ये रेडियल। ठीक है, इस तरह इसके अलावा और क्या कैमरा के इफेक्ट हैं इसके देखें, कलराइज करना आपने वही है, ये जो आपके मोबाइल कैमरा में फिल्टर हैं ये उसी तरह के हैं, ये सारे बेसिकली यूज़ होते हैं इमेज को रीटचिंग के लिए, उनको इफेक्ट देने के लिए। ठीक है, जो बिट मैप इफेक्ट्स हैं सारे, ये इसकी कलरिंग, ठीक है वही, ये वही हैं जो आप मोबाइल में फिल्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह हैं ये सारे, ये कलर कंट्रोल आप इधर से कर सकते हैं, सैचुरेशन ह्यू ये सारी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इन तरह नेक्स्ट में जाएं, फोटो फिल्टर। ठीक है, ये देखें बीच में क्या निकल रहा है, ये कलर भी आप कौन सा चेंज करना चाहें इसका, कुछ इस तरह से इसको काम कर दें। ठीक है, और इसमें क्या है, ये 3D इफेक्ट्स हैं, आर्ट स्ट्रोक्स हैं, ये भी हमारे 3D इफेक्ट्स हैं, इसको नहीं कर रहे अभी। ठीक है, ये कैमरा के इफेक्ट आप वन बाई वन अप्लाई करके देख लें। इसके बाद ये डिस्टॉर्ट है, ये आपने डिस्टॉर्ट टूल पढ़ा भी था लेकिन ये उसका जो है एडवांस इधर पड़े हुए हैं सारे। ठीक है, शार्पन टेक्सचर ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह से, ये मोस्टली यूज़ होती हैं इमेजेस सारी इमेजेस को इफेक्ट देने के लिए। आप इनको ट्राई करें वन बाई वन,
तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे ये क्यों यूज होते हैं। ठीक है, ये सारे आपके इमेज को जो है वो उल्टा सीधा करने के लिए। कौन सा था ये? अगर सारे बिट मैप के इफेक्ट्स हैं इमेज के लिए। डिस्टॉर्शन है ये, आप रिपल यूज करें। ये देखो, इस तरह आपने वो डिस्टॉर्ट टूल पढ़ा था वो भी इसी तरह कर रहा था कि शेप को जो है बिगाड़ रहा था, खराब कर। ये बिल्कुल उसी तरह सारे, लेकिन थोड़े से एडवांस है। ठीक है, ये सारे इफेक्ट वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद ट्रेसिंग है वो देखते हैं। तो फिलहाल आप ये ट्राई करें जो इफेक्ट्स हैं सारे, ये सारे इमेजेस के लिए हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। या फिल्टर्स हैं, इफेक्ट्स हैं, ब्लर हैं, आप इनको ट्राई करें सबको वन बाई वन, ताकि आपको इनका यूज़ पता चल जाए। उसके बाद ये एडिट बिट में हमें जाते हैं और देखते हैं उधर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। ठीक है, ये थी रियल इमेज आपके पास जो पहले हम ट्रेस कर रहे थे। तो अभी जो आपके पास कोई लोगो बना हुआ है, कोई आपके पास कैरेक्टर बना हुआ है जो कार्टूनिस्ट टाइप होते हैं, कैरेक्टर लोगोस, उनको ट्रेस करें तो उसका आप रिजल्ट जो है तो अभी ये देखें। वन बाई वन करते हैं क्विक ट्रेस पहले सबसे। इसका अगर देखें तो उसने ये ट्रेसिंग कर दी है इसकी, नीचे आपका वही पड़ा हुआ है। ठीक है, रियल इमेज ये ट्रेस हो गया और आपको इसका रिजल्ट ये वाला मिल गया। ठीक है, इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ। नीचे आप आए तो ये सेंट्रल लाइन ट्रेसिंग लिखी हुई है। ठीक है, सेंट्रल लाइन ट्रेसिंग है। ये लाइन आर्ट जो है वो बना दिया, पता चल रहा है कि यहाँ पे करेक्टर है तो उसी जगह से ये ट्रेस कर दिया। ठीक है, लाइनिंग में कर दिया होगा। अगर आप इसको दूसरा ऑप्शन देखें लाइन ड्राइंग, तो लाइन ड्राइंग में वो भी उसी तरह है, लेकिन लाइन ड्रा हो जाएंगी जहाँ पर भी करेक्टर है। ये देखें सेंटर में। ठीक है, ये आप इधर से उठा सकते हैं, ये कुछ इस तरह से ये आपको नजर आ रहा है। इसको आप कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, यूज करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, लाइन ड्रा कर देगा ये। इनको स्मूथ करना हो तो वो आपके पास ऑप्शन है, उधर उधर से कर सकते हैं। इस तरह अभी जाते हैं आउटलाइन ट्रेस में। ये है इसकी मतलब ट्रेसिंग का, लाइन आर्ट में जाएं अगर आउटलाइन ट्रेसिंग में, तो ये आप देखेंगे इसके रिजल्ट आपको बहुत फाइन रिजल्ट मिलेंगे सारे। ठीक है, ये देखिए बैकग्राउंड लगा हुआ है, जो ऊपर वाली रियल ओरिजिनल इमेज है उसके ऊपर बैकग्राउंड लगा हुआ है। ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड भी है। अभी आपने ये नीचे ट्रेसिंग वाला आपको रिजल्ट मिला, तो इसका बैकग्राउंड भी रिमूव हो गया और आपको ये रिजल्ट मिला है जो ऊपर बिल्कुल आपकी स्मूथ ट्रेसिंग, कॉर्नर राउंड। ठीक है, थोड़ा बहुत होगा इसमें कि बिल्कुल उसी तरह तो नहीं होगी ये, अगर इस देखें एजिस इसके ज़्यादा निकली होंगी, इसका थोड़ा सा जो है वो ख़राब होंगे, इसके नोड जो आगे से थोड़े से ख़राब हो जाएंगे जब आप ट्रेस करेंगे। ठीक है, ये अगर इधर से देखें ये वाला, इसकी लेग के नीचे कट लगा हुआ है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। इधर से आप मजीद इसको स्मूथ कर सकते, स्मूथ ना हो ये ऊपर वैल्यू सेट कर सकते हैं, कॉर्नर स्मूथनेस ये भी कंट्रोल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी इसको इसका रिजल्ट आपके पास ये वाला आएगा। ठीक है, बैकग्राउंड भी रिमूव हो गया तो रिजल्ट भी इसका आपको ये मिला। ठीक है, ये मैंने इसको रिमूव कर रहा है, इधर कोई सॉलिड कलर ले लेते हैं आगे आपको पता चल जाए। बैकग्राउंड भी रिमूव हो गया इसका, और आपको डिजायर जो है लोगो भी मिल गया। ठीक है, आप अभी इसका कलर चेंज करना चाहें जैसे भी इसको, वो आप इधर से कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये ट्रेस हो गया, आपको एक तो
वेक्टर रिजल्ट जो है वो मिल गया, इसको वाइट कर देते हैं। सही है, और इसमें अनग्रुप करना चाहें ये ऊपर वाला अलग कर दें इसको, सिर्फ यही चाहिए ये रख सकते हैं आप। ठीक है, ये अभी देखें अगर आपके साथ स्क्रीन सही है तो जिस तरह आपने खुद ड्रा किया ही उस तरह बन गया। ठीक है, ये सारी वैल्यूज इसकी आ रही हैं, शेप शेप टूल आपने लिया तो सारे, इनको आप चेंज करना चाहें कुछ भी वो कर सकते हैं। पहले ओरिजिनल वाला था वो था रास्टर इमेज, अभी ट्रेसिंग होने के बाद ये वेक्टर बन गया। ठीक है, यहाँ से कोई भी इसकी कुछ भी आप चेंज करना चाहें, लेग कोई फुल करना चाहें, कोई कॉर्नर इसका आगे करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर सकते हैं, वो आपने देख लिया हुआ, कोई सा भी इफेक्ट नहीं रह जाए। ये इस तरह से, तो अभी ये आपका बन गया जिस तरह आपने खुद ड्रा किया है। ठीक है, बाद में इसमें कोई और चीज़ आप ऐड करना चाहें, मैं अभी इसको जूम कर लूँ, इसमें देखें कि कोई और चीज़ आपने खुद से ऐड करनी है, इसकी आई वो आप लगाना चाह रहे हैं वो ऐड कर लें। ठीक है, इसका कलर वही, इसका कलर बैकग्राउंड वाला रख लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह आउटलाइन इसकी ख़त्म कर दें, मतलब बाद में आप इसको जो है और चेंज कर सकते हैं जो भी करनी चाहें। ठीक है, इसी तरह ये है इसकी नोज के ऊपर, टाइम टूल आप यूज कर लें। सर, जिस तरह आपने सेंटर लाइन ट्रेसिंग का कहा था तो हमें सेंटर में सिर्फ लाइनिंग मिल गई थी, इसी तरह जब आपने बोला था कि हम साइड से ट्रेसिंग करेंगे तो फिर हमें सिर्फ इसकी आउटसाइड पे ट्रेसिंग चाहिए थी, हमें तो फिर चाहिए नहीं था, तो फिर इसने हमें फील क्यों दिया? बताता हूँ, वेट कर, किस तरह ये आप करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा रह गया और स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेसिंग है इसकी। इसी तरह कोई किसी और ऑब्जेक्ट की आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसका ऑप्शन क्या है, आउटलाइन में ये लोगो है, ये भी इसी तरह रिजल्ट देगा, बिल्कुल सेम। ठीक है, ये देखें लोगो जो है बिल्कुल आपके पास ट्रेस होके आ गया, और इसको ओके करें तो ऊपर से इसको अलग कर लें। ठीक है, ये अभी इसको जैसे मर्जी यूज करें, आप कलर चेंज करें जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से मिल गया। नेक्स्ट वाली ऑप्शन देखें, डिटेल्ड लोगो। ठीक है, ये है कि आपके पास वो करेक्टर है कोई, अभी लेते हैं तो उसको ट्रेस करते हैं, फिर उसका रिजल्ट देखते हैं। ये तो लोगो का बिल्कुल स्मूथ सबके रिजल्ट मिलेंगे। इसी तरह ये नीचे वाले हैं, लो क्वालिटी इमेज है। ठीक है, उसके भी यही रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि ये बिल्कुल स्मूथ है, आपका फ्लैट आइकन बना हुआ, फ्लैट लोगो बना हुआ, हाई क्वालिटी इमेज है, उसके लिए यही रिजल्ट मिलेगा सेम। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप जो है कर सकते हैं क्रिएट इससे। अभी इसको इधर ही रहने देते हैं, कोई और करेक्टर लेते हैं, थोड़ा सा जो मास्कोट टाइप होता है वो लेते हैं। ठीक है, ये पहले तो बिल्कुल आपका जो है फ्लैट फ्लैट लोगो। ठीक है, ये इजीली ट्रेस हो जाता है, मतलब ट्रेस हो रहा था बिल्कुल सही रिजल्ट। थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया आपके पास ये मास्कोट टाइप जो लोगो है,
इसको अगर करना है तो इसके रिजल्ट देखें आप। आउटलाइन में लाइन आर्ट करनी है, लोगो करना, लोगो है तो इसके देखें। ठीक है, इसने बैकग्राउंड हटा दिया। इसके अभी रिजल्ट देखें अगर आप, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट जो है आई थी ड्राइंग इसके साथ। ठीक है, इधर इमेज आपका क्वालिटी भी थोड़ी सी इसकी डिस्टर्ब हुई है, कलर भी थोड़े से गायब होंगे। कलर कौन से गायब हुए हैं? जो बिल्कुल लाइट कलर थे वो, जिस तरह ये रेड वाला नीचे से देखें, ये रेड शेड्स ये खत्म हो गए। ठीक है, ये हैंड में से थोड़ी सी इधर लाइन मिस हो गई है। ठीक है, ये इधर से आई ये वाली गायब हो गई है। ठीक है, तो रिजल्ट में थोड़ा सा फर्क पड़ा, लेकिन 100% जो इसने ट्रेस करके दिया हुई है हमारे पास रिजल्ट। ठीक है, ये किस लिए यूज होती है मोस्टली? ये आप कॉपी राइट के लिए नहीं यूज करेंगे, किसी का लोगो ट्रेस करके किसी को देते हैं तो फौरी आपका कस्टमर जो है कंप्लेन करेगा आपको और बैन करोगे। के लिए नहीं ट्रेसिंग यूज करनी, बल्कि ट्रेसिंग का पर्पज जो है वो ये है कि आपको कोई क्लाइंट आ जाता है आपके पास, वो कहता है कि हमारे पास सोर्स फाइल गुम हो गई है, लोगो है हमारे पास, ओरिजिनल है, कॉपी राइट्स हैं हमारे पास, लेकिन फाइल नहीं है। तो अभी हमें प्रिंट के लिए वेक्टर फाइल चाहिए बड़े साइज की, तो तब आप ये यूज कर सकते हैं। आप इससे कर लें डायरेक्ट ट्रेसिंग में जाके, इसमें रिजल्ट का थोड़ा सा डिफरेंट जो है डिफरेंस आ जाता है, रिजल्ट थोड़ा सा इसका बेहतर नहीं होता डायरेक्ट ट्रेसिंग से। ये अगर आप देखें इसकी कैप जो इसने हैट ली हुई है, इसमें जो कलर्स हैं वो इधर आके गायब हो गए हैं, और ये जो कट लगे हुए हैं वो भी गायब हो गए। तो फिर आप जो है पेन टूल से, बीजियर टूल से, पेन से ट्रेसिंग कर सकते हैं, या अगर डायरेक्ट करना चाहें तो ये डिफरेंट वेज आपके पास हैं, इनसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको ओके करें तो ये ऊपर वाला आप उठा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह, ये ट्रेसिंग है, ये आप इधर से वन बाई वन जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल रिजल्ट है ये वाला। ठीक है, अभी ये जो आपके पास आया है रिजल्ट वेक्टर, ये होगा हाई रेजोल्यूशन। ठीक है, आप इसको जितना मर्जी एक्सपेंड करें ये ब्लर नहीं होगा। तो इसके जो है जो हमने ट्रेस जिससे किया वो देखें, तो ये अभी जूम किया थोड़ा सा तो ये ब्लर हो गया, ये आप इसके हैंड देखें आज ब्लर होगी। तो ये आपको ये था रास्टर इमेज जो आपने ट्रेस किया, रास्टर इमेज था। ठीक है, तो अभी जो आपके पास रिजल्ट आया वो है वेक्टर, आप इसको जितना मर्जी एक्सपेंड कर लें इसका रिजल्ट खराब नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप ट्रेसिंग के बाद ये वाली फाइल जो है अपने कस्टमर को दे सकते हैं, क्लाइंट को दे सकते हैं, अगर उसके पास सोर्स फाइल गुम हो गई है या कोई और इशू हो गया, उसे रियल इसकी वेक्टर फाइल चाहिए, तो आप ये डिफरेंट वेज है वो यूज़ कर सकते हैं, या पेन टूल की आपने प्रैक्टिस की हुई है उससे कर लें, ये बीजियर टूल से कर लें। ठीक है, इस जो आउटलाइन है वो ड्रा करें, उसके बाद कलर फिलिंग। स्टार्ट में आपने दो असाइनमेंट्स भी की हुई थी, ठीक है, आपने असाइनमेंट्स भी की हुई थी स्टार्ट में, जिस तरह वो ईगल वाली ट्रेस की थी, फिर बियर था वो ट्रेस किया, ये की थी। लेकिन आपने यूज़ नहीं करना है इसको शॉर्टकट मारने के लिए, ये है कि अगर फाइल वगैरह गुम हो गई है या इस तरह का कुछ, तब आप ये यूज कर सकते हैं डायरेक्ट ट्रेसिंग। ये ट्रेसिंग का था, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ट्रेसिंग में। इधर अगर इधर बिटमैप में जाएं तो इधर भी ट्रेसिंग के आपके पास ऑप्शंस होंगे कहीं। ये वही वाले हैं जो ऊपर आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो वो ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ये इसको इधर रख लेते हैं। इसकी हैट का कलर आप चेंज करना चाहते हैं, इसको अनग्रुप करें कैसे? ये आपके पास वो एक ऑब्जेक्ट ही आया, एक शेप, तो अभी आप इसके जो करेक्टर के अंदर ड्राइंग है उससे कलर चेंज करना चाह रहे हैं, इनको अनग्रुप कर लें। ठीक है, अनग्रुप ऑल, तो ये सारे इसके पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। ये देख, ये जितनी भी ड्राइंग है ये सारी अलग हो जाएगी। ठीक है, सही है, ये सारी अलग अलग हो गई, आउटलाइन अलग हो गई है इसकी। ठीक है, अभी आप इनका कलर चेंज करना चाहें कोई। ठीक है, ये हैट है इसको रेड करना चाह रहे हैं, रेड कर लें। ये नीचे बॉडी का है इसको चेंज करना चाह रहे हैं, वो कर लें चेंज। ठीक है,
कोई भी कलर जैसे भी आप चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो शेड्स नजर आ रही हैं इनके भी हो जाएंगे चेंज। ठीक है, क्विकली आप कलर चेंज कर सकते हैं। इधर ये अंदर वाले हैं थोड़ा सा ये वाला कर दें। ये इस तरह आप अपना जो लोगो कलर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये आपके पास वेक्टर फाइल है, जो चाहे आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको वाइट कर और जो से भी आप प्रैक्टिस में यूज करना चाहें कुछ भी, अभी सोर्स फाइल होगी मतलब वेक्टर फाइल होगी, आप इसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप सबको। जो ट्रेसिंग है, बिटमैप ट्रेस है, वो क्या चीज है? ट्रेस करना बिटमैप को, वो क्या चीज है? कल जिस तरह हम एक फ्लैट डिजाइन कर रहे थे, तो उसके लिए हमने अगर क्विकली इनका बैकग्राउंड किसी भी पिक्चर का रिमूव करना हो तो वो कैसे कर दे, तो वो कल नहीं हो सका। फिर हमने पेन टूल यूज़ किया था, तो उससे हमने वाले ड्राइंग की, फिर उसको क्लिप किया उसके बाद। तो अगर आपने क्विकली यूज़ करना हो तो वो कैसे करेंगे? वो कहें कि आपके पास है कोई इमेज, इस तरह ये कॉपी करते हैं एक पिक्चर। ठीक है, ये वाली सही है, इसका भी बैकग्राउंड लगा हुआ है, बैकग्राउंड वाइट है, नज़र नहीं आ रहा, तो इधर कोई कलर लगा लें अपने कैनवास को, आर्ट बोर्ड को। ठीक है, अभी इसके ऊपर रखें तो ये कलर लगा हुआ है इसका। ठीक है, तो भी हमारे पास टाइम अगर कम हो, इस तरह की पिक्चर हो जिसका जो है बैकग्राउंड इस तरह बिल्कुल हो आपके पास सॉलिड में, एक ही कलर है, ज़्यादा इसमें इफेक्ट्स ना हो, तो उसके लिए ये वर्क करता है ज़्यादा। तो कल हम देख रहे थे क्योंकि हमारे पास इंस्टॉल नहीं थे दूसरे कोरल के सॉफ्टवेयर, तो वो क्या एडिट पिट में जाएँ तो वो आपके पास दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, पेंट और डार्क फोटो पेंट भी है। ठीक है, शेयर है वो, ये यही वाला शेयर है, यही शेयर है। एक मिनट, दोबारा शेयरिंग करते हैं। तो ये थी आपके पास फर्स्ट विंडो, और ये जब आपने किया एडिट पिट में तो ये दूसरा ओपन हो गया कोरल फोटो पेंट। ठीक है, जो आपके सूट के साथ ही इंस्टॉल हुआ था, सही है। इसमें ये भी एक पूरा सॉफ्टवेयर है पिक्चर एडिट करने के लिए, इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, ये आपको साइड पे नज़र भी आ रही है। ठीक है, तो आपने क्विकली इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, इसको मिनिमाइज किया। तो ये अगर आप आए इधर, आपके पास होगा एक मैजिक वैन टूल, इसमें होगा ये, इसमें काफ़ी सारे रेक्टेंगल मास्क, एलिप्स मास्क, मैजिक वैन टूल। ठीक है, ये मैजिक वैन टूल अगर लें, ठीक है, इसको क्लिक करें तो कुछ इस तरह से इसने आउटलाइन से बना दी। ठीक है, अगर आप भी देखें आउटलाइन बन गया, ये शेडो लगा हुआ इस वजह से ये ज़्यादा इधर नहीं है, आउटलाइन बन गई। उसके बाद आपके पास ये है ऑप्शन सब्ट्रैक्ट मोड, ठीक है, रिड्यूस द एडिटेबल एरिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, और इसके ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, जो एरिया पहले आपका सिलेक्टेड था वो सब्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद आप दोबारा अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो ये जो आपको लड़की नज़र आ रही है सिर्फ यही सिलेक्टेड है, पहले क्या था पूरा इमेज आपका इस तरह हो गया। इसको बड़ा कर लेते हैं, तो अभी यही सिर्फ सिलेक्टेड है आपके पास। ठीक है, तो इसको आप सेव कर लें, फाइल में जा कर सेव कर सकते हैं। ठीक है, इधर से सेव एज भी कर सकते हैं, सेव कर लें आप, तो इसको मिनिमाइज करें, उधर भी आपकी पिक्चर चेंज होगी होगी, ये देखें। ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड जो है वाइट पहले नज़र आ रहा था, अभी रिमूव हो गया। जो पीछे आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा है वो कुछ शेडोज या इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये था कि मतलब आपने वेरी क्विकली जो है कोई बैकग्राउंड रिमूव करना है, ट्रांसपेरेंट करना है किसी भी इमेज को, ये उसके लिए है। ठीक है, साइड के पीछे जो है लगा हुआ है वो शेडो है, इसलिए वो रिमूव नहीं हुआ। तो अगर आपके पास कोई इस तरह की पिक्चर है जो मतलब हो सकती है वन क्लिक में आप करना चाहें ट्रेस, तो वो इस तरह होती है। ठीक है, अभी इसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ। ठीक है, अच्छा इसका आ रहा है नज़र, तो अभी आप दोबारा इसको ओपन कर लें।
ठीक है, दूसरा है जो एरियाज हैं इसके नज़र आ रहे हैं उनको भी आप कर सकते हैं, उनको इधर आके बेशक कभी आपके पास पिक्चर आ गई है पेन टूल यूज़ करें ये ड्रैग करके उसको रिमूव कर दें, या इधर से ही करना चाहें तो इधर से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कि क्विकली आपने करना है किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड रिमूव, इसी तरह सर कोई इधर और से कैसे करेंगे? इधर से फिर से आपको एक बार सेलेक्ट करना पड़ेगा मैजिक वैन को। ठीक है, ये अंदर वाला, अभी इसको कंट्रोल एस करें। ठीक है, तो ये देखें जो एरिया दोबारा आपने सेलेक्ट करवाया वो रिमूव कर दिया। ठीक है, और इसको सेव एज इट इज़ कर दिया। इसी तरह ये इसके बालों के पीछे जो इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है, दोनों स्किन चेंज है या एक ही है? दोनों सर अच्छा, इसी तरह ये किसी इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये अभी देखें जो साइड पे आपको आ रहा था नज़र, इसका शेडो वो रिमूव हो गया। इसी तरह ये हेयर्स के पीछे बालों के पीछे ये सही से रिमूव नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल शेडो इसके अंदर मर्ज हुआ पड़ा है, लेकिन फिर भी आप करना चाहें इधर आए आप एक बार फिर इधर क्लिक करें ये जहाँ पे शेडो लगा हुआ है। ठीक, ये नहीं करेगा, थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो गई। ठीक है, कुछ इस तरह से अभी इसको सेव करें तो इधर भी आपको इफेक्ट नज़र आएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, फिर इस तरह ये एरिया जिसने रिमूव कर लिए। ठीक है, वो ज़्यादा ही कलर जो है वो आपका हुआ है फेड हुआ पड़ा कलर इसके हेयर के अंदर, इसलिए वो रिमूव नहीं हुआ, तो उसको आप किसी और टूल से कर सकते हैं। ये था इसका कि अगर आपने बैकग्राउंड रिमूव करने हैं क्विकली तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में हम देख रहे हैं। ठीक है, कोरल फोटो पेंट के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ब्रश मार क्रोपिंग ये उसी तरह है। ठीक है, ट्रिल और बाकी टूल भी वही हैं। सही है, अगर आपके पास कोई पिक्चर है जिसके पीछे सॉलिड बैकग्राउंड लगा हुआ है उसको ट्रांसपेरेंट करना है तो उसके लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।